नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के गंज बसौदा में कोरोना महामारी को लेकर आज भी हालात बेहद ख़राब हैं। कोरोना महामारी से जूझते हुए मध्य प्रदेश के लोगों को करीब 2 महीना गुजरने वाले हैं, लेकिन अब भी मजदूर वर्ग अपने घर मुकाम नहीं लग पाया है। साथ ही मजदूर वर्ग के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला विदिशा जिले के बसौदा से सामने आया है, जहां इटारसी से भिंड जा रही मजदूरों से भरी बस अचानक ख़राब हो गई, जिसको लेकर बस में सवार मजदूर काफ़ी परेशान हुए। लेकिन जैसे ही मामले की जानकारी बसौदा विधायक लीना जैन को लगी, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में सवार सभी मजदूरों को खाना एवं पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाईं और दूसरी बस को बुलाया और मजदूरों को भिंड भेजा गया। जब से देश में कोरोना वायरस का मामला सामने आया है, तब से हर वर्ग एक दूसरे के सहयोग के लिए 24 घंटे तत्पर मौजूद है। बस में सवार मजदूरों ने भाजपा विधायक लीना जैन का धन्यवाद करते हुए सहयोग करने वाले कार्यकर्ताओं का भी हौसला बढ़ाया है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। क्या खराबी आ गई आपकी बस में? हम आ रहे हैं जिला होशंगाबाद से, इटारसी से आ रहे हैं, जिला भिंड जा रहे हैं। बस हमारी खराब हो गई है, इसलिए हम लोग परेशान हो गए। तो ये भोजन की व्यवस्था वगैरह कहाँ से हुई और कैसे आपको पता चले? आपके विधायक जो है, आपके विधायक ने भोजन की व्यवस्था की हम लोगों के लिए। माननीय विधायक जी, श्रीमती विधायक जी भोजन की व्यवस्था हम लोगों के लिए की। उनको सूचित कैसे करा? विधायक ने व्यवस्था की। कितने लोग होंगे आप करीबन? लगभग हम हैं 35-37 आदमी हैं। तो सभी लोगों को भोजन आ गया? हाँ, सब लोगों को भोजन आ गया। अनिल सिंह परिहार, मैं इटारसी से जा रहा हूँ भिंड, और हमारे साथ में 36 लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं। और हमारी बस यहाँ पर ख़राब हो गई थी। माननीय विधायिका जी ने यहाँ पर हमारे बिलपान की व्यवस्था की है, अन्य के लंच पैकेट भी भेजे हैं। हम सभी साथियों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शासन को भी धन्यवाद देते हैं। मेरे पास इटारसी से फ़ोन आया था, उन्होंने जानकारी दी कि ये जो बस है ये इटारसी से भिंड जा रही है गरीब लोगों को छोड़ने के लिए, जो मध्यम वर्गीय हैं और मजदूर वर्ग हैं इनको छोड़ने भिंड जा रही है। तो वहाँ से जो इटारसी से मेरे पास खबर आई थी, जैसे ही खबर आई वैसे मैं इन लोगों के लिए यहाँ पर ये भोजन सामग्री लगा। मेरे साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समाज सेवी, हमारे दल के सभी लोग। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।